हमीरपुर जिला परिषद की बैठक का आयोजन जिला परिषद भवन में किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने की। इस अवसर पर जिला भर में सड़कों की खस्ता हालत पर चर्चा की गई। बैठक में जिला भर में विकास कार्यों को लेकर रूपरेखा तैयार की गई और लोगों को आ रही परेशानियों को भी जिला परिषद सदस्यों ने बैठक में रखा, जिनके निवारण के लिए मौके पर आए हुए सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों से भी चर्चा की गई। जिला परिषद अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने कहा कि जिला परिषद की मासिक बैठक में सड़कों की खस्ता हालत को सुधारने के लिए जिला परिषद सदस्यों ने मांग की है, तो मनरेगा के तहत 109 करोड़ का बजट भी पारित किया गया, जिसके तहत मनरेगा के कामों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 14वें वित्त आयोग के तहत 66 करोड़ का बजट आया था, जिसमें 32 करोड़ रुपए खर्च कर लिया गया है, जो कि बढ़िया हुआ है। उन्होंने बताया कि 31 मार्च तक जिला परिषद के सारे खर्चे का आंकलन करके पूरा ब्यौरा तैयार किया जाएगा। जिला परिषद की यह अंतिम बैठक थी, जिस बैठक में हमारे जिला परिषद के सभी सामान्य सदस्यगणों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखा, और आज जो मुख्य मुद्दा रहा आज की बैठक का, जो हमीरपुर जिला है उसकी जो स्टाम्प ड्यूटी है वो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, तो आज हमने इसको एक स्वर में इस जिला परिषद के माध्यम से सरकार के समक्ष भी रखेंगे और माननीय जिलाधीश महोदय के समक्ष भी रखेंगे कि इसको दूसरे जिलों की तर्ज पर जो हमारी स्टाम्प ड्यूटी है उसको कम किया जाए। इसके साथ साथ हमीरपुर जिला में जिस तरह से आज सड़कों की स्थिति दयनीय है उसके ऊपर भी चर्चा की गई, हमारे सभी जिला परिषद सदस्यों ने इसको भी उठाया, और भारी बारिश की वजह से जहां जहां भी क्षति हुई है हमारे सभी अधिकारियों ने ये विश्वास दिलवाया है कि जैसे ही मौसम खुलेगा उनको ठीक कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ खनन का भी आज यहाँ मुद्दा उठा, और इस पे सरकार या तो रेट को निर्धारित करे या उसमें एक तरह का पैरामीटर्स पूरे प्रदेश में हो, ताकि लोगों को जो भी कंस्ट्रक्शन मकान बनाते हैं उनको सस्ती दरों पर क्रशर उपलब्ध करवाया जाए। हमारे जिला परिषद के कुछ सदस्य ने द्योटचित का जो मामला है उसको उठाया, क्योंकि वहाँ जो श्रद्धालु आते हैं उनको जो कंबल डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं उनकी धुलाई समय अनुसार नहीं की जाती, और ये बड़ी खेद की बात भी है कि दूसरे प्रदेशों से हमारा जो बाबा बालकनाथ का मंदिर है उसमें लगभग अभी पीछे हाल में 26 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया और उसमें उस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया। तो जो कमिश्नर टेंपल ऑफिस हैं उनको भी हम इस बारे में आज ज्ञापन देंगे कि इस तरह की व्यवस्था जो श्रद्धालु वहाँ मंदिर में आते हैं उनको अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए। आज की बैठक का यही मुद्दा रहा। इसके साथ साथ जो हमारा ग्रामीण विभाग है उसको कैसे सशक्त किया जाए, उसके तहत मनरेगा के तहत 109 करोड़ रुपए का बजट आज पारित किया गया, और 14 फाइनेंस के तहत हमीरपुर जिला में जो पिछले 5-4 वर्षों में लगभग 66 करोड़ रुपए आया है, लगभग 32 करोड़ रुपया खर्च किया गया। इसमें मैं जिला के सभी प्रधानों को बधाई भी देता हूं और आशा करता हूं कि इसका 100% खर्च किया जाए, यही आज मुख्य मुद्दे रहे। सर नहीं है, ऐसा नहीं है, जो 14 फाइनेंस का पैसा है हिमाचल प्रदेश में अगर प्रतिशतता के हिसाब से देखा जाए तो सबसे आगे हैं, और कुछ एक टेक्निकल असेसमेंट ना होने की वजह से भी वो पैसा खर्च तो हो गया लेकिन उसकी असेसमेंट नहीं हुई है। तो 31 मार्च तक हमने एक डेडलाइन दी है कि जितने भी खर्चा हुआ है उसकी सारे की सारी असेसमेंट करके उसको यूसी उपलब्ध करवाया जाए। जो जिला भर में हमारे चाहे वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हों या हाई स्कूल्स हों, कई हमारे जिला परिषद के सदस्यों का ये रिजेंटमेंट्स रहती है कि उनको उन फंक्शन में बुलाया नहीं जाता या बुलाया जाता तो उतना मान सम्मान नहीं मिलता चुने हुए प्रतिनिधि होने के नाते। तो माननीय उच्च निदेशक सेकेंडरी और एलिमेंट्री ने दोनों ने विश्वास दिलाया कि मान सम्मान भी मिलेगा और इन फ्यूचर इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाए। वो मिडिल स्कूल था, मैंने भी मुद्दा रखा, मुझे भी नहीं बुलाया गया, तो मैंने उनके ध्यान में इस चीज़ को लाया है। लेकिन अगर इस सदन से पारित इस सदन में रखी गई किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता तो हम जिला परिषद के सभी सामान्य सदस्यगण, वो चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी होगा, हम उसका घेराव करेंगे।